किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है और ये टकरार तब तक चलेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता। किसानों ने अपनी तय रणनीति के तहत करनाल के लघु सचिवालय पर डेरा तो जमा लिया है, लेकिन किसान अपने इस मोर्चे को ज्यादा लंबा खींचने की मूड में नजर नहीं आ रहे। यही कारण है कि आगामी 11 सितंबर को होने वाली किसान नेताओं की बैठक में आर पार की लड़ाई करने का तय कर रहे हैं। किसान नेताओं ने सरकार को साफ चुनौती देते हुए ऐलान कर दिया है कि ये लड़ाई अब आर पार की है। 11 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की बैठक करनाल के धरना स्थल पर होने वाली है और इस बैठक में आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा। बाकी एक बात की सीधी चेतावनी है सरकार को, 11 तारीख को हरियाणा के सारे संगठनों की और संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है करनाल धरने पे। 3 दिन दे दिए इनको ये बीच में, उसका भी एक कारण था, लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चे की 9 और 10 को मीटिंग है बहुत जरूरी, तो नेताओं ने वहां जाना था। 3 दिन का टाइम दे दिया, 11 तारीख को आर पार का फैसला लेगा हरियाणा। आर पार का फैसला ऐसा लेंगे 2 घंटे नहीं पकड़ेगा ये खट्टर, कुछ भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये 2 दिन देने भी इसलिए जरूरी थे, कल को फिर लोग भी कहते हैं, सरकार भी कहेगी देखो जी इससे जनता को परेशानी हो रही है, पर हमारी मजबूरी होगी फिर, जब शांतिपूर्ण तरीके से भी न्याय मांगने से न्याय नहीं मिलेगा तो फिर बड़ा कठोर फैसला होगा, पूरे हरियाणा का होगा, सारे जिलों में लागू होगा, साथ में पंजाब में भी लागू होगा। ऐसा फैसला लेंगे पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 11 तारीख तक का टाइम है, मांझा नाम इनके बुलाने से बातचीत में जाएंगे। किसान संगठनों के अनुसार अब सरकार से बातचीत भी तभी होगी जब एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हरियाणा सरकार किसान नेताओं को जानकारी देगी, तभी आगे की बात होगी। ऐसे नहीं आया, अब मैसेज आएगा भी नहीं इस तरीके से, क्योंकि कल जब हमारे बड़े नेता उठे वो कह के आए थे भाई जे तो पर्चा दर्ज कर लो तो हमें बता देना, और वो गिद्दड़ चिट्ठा लेके आ जाइए हमारे पास बाहर, नहीं तो लड़ाई होगी। जब तक पर्चा दर्ज कराना है उससे पहले किसान मानने वाला नहीं है, ना अब ये बुलाएं, इनकी खाना पूर्ति के लिए नहीं हमारे नेता जाएंगे। अब तो सीधी मांग है पर्चा दर्ज करके, और वो जो गिद्दड़ चिट्ठा जो भी देंगे कागज बना के, जो उसका कंप्यूटर से कागज निकलेगा वो यहाँ ले आके दिखा दो भी पर्चा दर्ज हो गया, और किसान तब इस आंदोलन को समाप्त। किसानों का कहना है कि हम पहले ही हरियाणा सरकार को 3 दिन का वक्त दे चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। इसी के चलते 11 तारीख को कुछ ऐसा बड़ा ऐलान किया जाएगा कि खट्टर सरकार को हर हाल में झुकना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक बीते 28 अगस्त को तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा ने पुलिस को सीधे तौर पर किसानों के सर फोड़ने का आदेश दिया था। किसानों का आरोप है कि सरकार ने बर्खास्त करने के बजाय उन्हें पदोन्नत किया है। किसानों की मांग है कि अधिकारी को बर्खास्त किया जाए और उस पर हत्या का मामला दर्ज हो। मृतक सुशील काजल के परिवार को 25 लाख रुपए, उनके बेटे को सरकारी नौकरी और पुलिस हिंसा में घायल हुए किसानों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग उठाई है। आईएनएस रिपोर्ट।